नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम 365 में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आगे बढ़ने से पहले जो मित्र हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। आज हम बात करेंगे एग्जामिनेशन हाल स्ट्रेटजी के बारे में कि एग्जामिनेशन हाल की रणनीति क्या होनी चाहिए। कोई भी एग्ज़ाम हो, स्पेशली कल जो एग्ज़ाम होने वाला है इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ का, उसके लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको लिए आप लोगों के लिए यह बहुत ही उपयोगी साबित होंगी। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि एग्ज़ाम देने जाने से पहले आप एकदम दबाव मुक्त हो जाएं, आपके दिमाग में किसी भी तरह की कोई प्रेशर ना हो और एग्जामिनेशन हॉल में या फिर जो भी जहां पे भी आपका सेंटर है वहां पे आप समय से पहले पहुंच जाएं। उसके बाद आपको जो बात ध्यान देनी है, आप सबसे पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपका पेपर जो है वो अच्छा ही होना है। एक बार भी आपको अपने दिमाग में ये बात नहीं लानी है कि मेरा पेपर ख़राब हो सकता है। एक बार भी किसी भी प्रकार का आप दबाव एकदम ना लें। आप ये मान के चलें कि हमारा पेपर जो है एकदम अच्छा होगा। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है कि आपको एक बार भी तो पहली चीज़ तो सोचना नहीं है कि हमारा पेपर ख़राब होगा। एकदम लाइट मोड में जाना है, एकदम से दिमाग पे कोई भी दबाव नहीं रखना है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका इस बार लास्ट अटैम्प्ट होगा या फिर ओवर एज हो रहे होंगे, तो वो अपने दिमाग में एक बार भी एग्जामिनेशन से पहले, मतलब एग्जामिनेशन हाल से पहले आपको ये सारी चीज़ें कभी भी एकदम दिमाग में नहीं लाना है कि ये मेरा लास्ट अटैम्प्ट है, नहीं होगा तो क्या होगा, फिर क्या करेंगे और कोई एग्ज़ाम नहीं है इधर बीच, या पहले कोई एग्ज़ाम आपका गड़बड़ हो गया है, तो ये सारी चीज़ें एकदम आपको दिमाग में लाना ही नहीं है। बस यही सोच के जाना है कि हमारा एग्ज़ाम, हमारी तैयारी एकदम अच्छी है और हमारा एग्ज़ाम एकदम अच्छा होगा। और अगली बात जो है, आपको एकदम से अगला सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एग्ज़ाम देते वक्त यह विशेष ध्यान देना है कि अगर आपको कुछ प्रश्न लगातार नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा आप लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो एकदम से फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। एकदम शांत मन से आपको सारे प्रश्न, पूरा प्रश्न पत्र एकदम अच्छे से हल करना है। कभी कभी होता है कि आपको लगातार 4-6 प्रश्न नहीं आ रहे हैं तो लगता है कि अब तो पेपर गड़बड़ा जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप एकदम ध्यान से पूरा पेपर सॉल्व करिए। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको 10-15 प्रश्न लगातार आएंगे, कभी 2-3 नहीं आएंगे, तो उस पर बहुत ध्यान एकदम नहीं देना है। नहीं तो फिर अगर आप थोड़ा भी प्रेशर ले लेंगे तो जो प्रश्न आपको आते रहेंगे वो भी आपके गलत हो सकते हैं। अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है कि वो स्पीड आपको मेंटेन करके रखनी है, कि पूरा प्रश्न पत्र आपको पूरा, कि कम से कम आप पूरा प्रश्न पत्र अच्छे से पढ़ सकें। कभी कभी होता है शुरू में आदमी थोड़ा स्लो हो जाता है या फिर बहुत तेज़ हो जाता है, तो फिर आपको पूरा एकदम स्पीड मेंटेन करके रखनी है कि जिससे आप पूरा प्रश्न पत्र एकदम अच्छे से पढ़ लें। और जो अगली बात है कि आपको प्रश्न जो है बहुत विधिवत ढंग से एकदम पढ़ना है। प्रश्न पूरा पढ़ने के बाद ही आपको ऑप्शन पे जाना है। अगर आप पहले प्रश्न पढ़ लें, सुनिश्चित कर लें कि क्या पूछ रहा है, फिर जो ऑप्शन है उस पर मंथन करें। कभी कभी ये होता है कि हम पूरा प्रश्न पढ़ते नहीं हैं, पूछा कुछ और रहता है, हम टिक करके आ जाते हैं, हमको लगता है कि हमारा प्रश्न सही है लेकिन बाद में वो फिर गलत हो जाता है। तो प्रश्न आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है, आप एक तरफ से पेपर सॉल्व करें, जैसे लोग टुकड़ों में करते हैं, कभी 10-20 प्रश्न इधर कर लिए फिर उधर कर लिए, तो इधर उधर जाने में, पलटने में आपका थोड़ा बहुत समय जो है वो ख़राब हो सकता है। तो अगर आप पेपर को एक तरफ से सॉल्व करते हैं तो आपके लिए वो बहुत ही अच्छा होगा। अगली बात जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको ये विशेष ध्यान देना है, कुछ लोग होते हैं कि पूरा पेपर सॉल्व करते चले जाते हैं और OMR जो आपका बबल भरना है वो भूल जाते हैं, तो लास्ट टाइम थोड़ा कम समय बचता है, फिर जल्दबाजी हो जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 200 क्वेश्चन है इसमें, 200 प्रश्न है ये इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ का जो एग्ज़ाम होना है, और 200 बबल करने में कम से कम आप कितनी भी स्पीड में करेंगे तो 15-20 मिनट तो लगना ही है, तो उतना समय आप एकदम बचा के चलें कि हाँ हमको बबल भी करना है। नहीं तो लास्ट में जब ये होता है कि समय कम बचता है तो ये होता है कि अभी बबल भी करना है और फिर
जल्दबाजी में क्वेश्चन पढ़ते हैं और क्वेश्चन सही से पढ़ नहीं पाते हैं हम लोग, या फिर सारा प्रश्न पत्र ही नहीं पढ़ पाते, कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो इतना स्पीड आपको मेंटेन करके रखनी है और उस बात का ध्यान देना है कि हमको बबल अभी करना है, तो कम से कम 20 मिनट तो लगना ही है। और एक साथ से अच्छा ये होगा कि आप जैसे 50-50 का टुकड़ों में बांट लें, 50 प्रश्न आपने सॉल्व किए, उसके बाद आप गोला कर लीजिए, फिर अपना अगला प्रश्न 50 सॉल्व करिए, फिर गोला करिए, तो उसमें थोड़ा टाइम भी आप देख लेंगे कि हमने 50 क्वेश्चन कितनी देर में सॉल्व किया, कितना गोला हुआ, तो उसी हिसाब से आपका टाइम जो है वो सेट हो जाएगा। तो उम्मीद है आप सबको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, आप इसको ज़रूर सुन के जाइए और हमारी जो बातें हैं आप उसको दिमाग में एकदम रख लीजिए, एकदम फ्री माइंड से जाइए, एकदम रिलैक्स होके जाइए। ये मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन होना है, आपका पेपर अच्छा होगा, आपने जो भी तैयारी की है सब आपकी तैयारी अच्छी है। हमारी तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ, धन्यवाद मित्रों।